उधर यूक्रेन से करीब 20 लाख लोग भागकर पोलैंड पहुंच गए हैं। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की राजधानी वॉर्सा में यूक्रेन से आए शरणार्थियों से मुलाकात करेंगे और उनको दी जा रही मानवीय सहायता का वो जायजा भी लेंगे। रोज हजारों की संख्या में शरणार्थी यहां पोलैंड पहुंच रहे हैं। ये वॉर्सा का सेंट्रल स्टेशन है, यहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, उनके रहने की व्यवस्था, और यहां से उन्हें सुरक्षित उन स्थानों पर ले जाया जा रहा है जहां वो सुरक्षित रह सके कुछ समय के लिए। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी पिछले एक महीने में यूक्रेन से भागकर पोलैंड आए हैं। वैसे तो जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं अपने ही घरों में, वो संख्या 30 लाख से ज्यादा है, लेकिन उन शरणार्थियों को, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ गर्म खाना, यहाँ तापमान रात में 0 से 3 डिग्री नीचे तक पहुंच जाता है, दिन के टाइम 10 और 11 डिग्री तक रहता है, और ऐसे में अपने घरों से कुछ लोग तो केवल अपने बच्चों के साथ, और ज्यादातर ये महिलाएं और बच्चे हैं, कुछ वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जितने भी 18 से 50 55 वर्ष की आयु के लोग हैं पुरुष, वो तो अपने देश की रक्षा के लिए, यूक्रेन की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें यहाँ आना मना है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और दुनिया के कई इलाकों से स्वयंसेवी भी लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी मदद करने के लिए। हमारे साथ परितोष है, परितोष यहाँ PhD भी कर रहे हैं और वॉलंटियर भी है। परितोष, किस तरह से लोगों की मदद की जा रही है इन इस तरह के शरणार्थी शिविरों में? ओके, यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों के एम्प्लॉयज से बोला है कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी डोनेट कर सकते हैं वो करें, और लोग काफ़ी आगे बढ़ बढ़ के हेल्प कर रहे हैं लोगों की यहाँ पे, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा कर रहे हैं लोग, पोलिश लोग। पोलैंड के लोग तो बहुत अच्छी मदद कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, लेकिन जो समाज सेवी हैं या जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे जो शरणार्थी भाग कर आ रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं? आई थिंक जितना मुझे पता है वो काफ़ी उनके फूड का काफ़ी टेक केयर कर रहे हैं, और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल स्टेशन में इनकी जो लोकल बसेज हैं वो यहाँ पे लोगों को पहुँचा रही है। जो आउटस्कर्ट्स में जो जगह हैं, कुछ लोगों ने अपने घर या रूम दिए हुए हैं, वहाँ पे उनको रुकवा रहे हैं, तो जितना मुझे पता है यहाँ का। 20 लाख से ज्यादा शरणार्थी अब तक आ चुके हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ भी सकती है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, वॉर्सो पोलैंड आज तक।